दोस्तों ये है इंडिया के सबसे बड़े कॉमेडियन कपिल शर्मा का घर। तो आज के इस वीडियो हम दिखाने वाले हैं आपको उनका पूरा घर और दिखाएंगे कुछ अंदर का भी वीडियो, और वीडियो में आप लोग बने रहना अंत तक। तो चलिए अभी हम लोग करते हैं शुरू। Hi, this is Kapil Sharma and I'm from Amritsar and I'm done with my English. Thank you. नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। दोस्तों मैं अभी पहुँचा हूँ मुंबई में, और मुंबई में अभी हम लोग हैं अंधेरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं इंडिया के बहुत ही बड़े कॉमेडियन, और जिनकी वीडियो देखते आपके होठों पे स्माइल आ जाती है, और इंडिया के हर एक लोग जो भी उनकी वीडियो को देखते हैं, सभी लोग अपने जीवन में कभी टेंशन में है, कभी तनाव में है, और कभी उनका मन अच्छा नहीं है, तो उनकी वीडियो देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कपिल शर्मा जी के बारे में। तो आज उनके घर को हम लोग चलेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे उनका घर कि वो मुंबई में कहाँ पे रहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब कपिल शर्मा जी मुंबई आए थे ना, तो वो एक कॉमेडियन बनने के लिए नहीं आए थे, वो एक सिंगर बनने के लिए आए थे। और सिंगर बनने के साथ ही साथ उन्होंने आज कॉमेडी के फील्ड में इतना अच्छा नाम कमाया है कि पूरी दुनिया में आज उनका नाम है और लोग उनके नाम से उनके लिए जानते। तो आज हम चलेंगे उनके घर के पास में और बताएंगे कि वो मुंबई में कहाँ पे रह रहे हैं। अगर आप लोग वहाँ पे जाना चाहते हो तो किस प्रकार से पहुँच सकते हो, तो सारा कुछ बताएंगे आप लोगों के लिए। तो बने रहना वीडियो में अंत तक और वीडियो को देखना पूरा। तो चलिए अभी हम लोग वहाँ पे चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ अभी कपिल शर्मा सर के घर के पास में। आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो उनका घर बना हुआ है, और इधर ही पास में देखो, ये देखो एनक्लेव लिखा हुआ है, ये लो आप पीछे देख रहे हो DLH। इनके घर का जो एड्रेस है ना, वो DLH एनक्लेव है। तो आप लोग कभी भी इस एरिया में आओगे और मैप में डालोगे DLH एनक्लेव, तो आप लोग यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो अभी आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाने वाला हूँ पूरा, और पूरा उनके घर के बारे में बताएंगे, उनके घर का प्राइस क्या है और वो कौन सी बिल्डिंग में इस घर में रहते हैं और किस किस के साथ में रहते हैं, तो वो सब कुछ बताने वाले हैं। तो बने रहना वीडियो में। तो चलिए अभी आप लोगों को पूरा सब कुछ टूर कराने वाले हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे द कपिल शर्मा शो के होस्ट कपिल शर्मा के बारे में। गाइस आपको आज उनका घर भी दिखाएंगे और उनके जीवन के बारे में भी बताएंगे। आप लोग उनके जीवन के संघर्ष की कहानी जानकर हैरान रह जाएंगे गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग आगे सारी बातें करने वाले हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं कपिल शर्मा सर के घर के सामने, और आप लोग जो सामने बिल्डिंग देख पा रहे हैं, इसी घर में कपिल शर्मा अपनी पूरी फैमिली के साथ में रहते हैं। गाइस आप लोगों के लिए बता दें कि कपिल शर्मा इस बिल्डिंग के सातवें फ्लोर पर रहते हैं, और वहीं पर उन्होंने अपना खुद का एक घर खरीदा है। और दोस्तों आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे कुछ ये वीडियो क्लिप लगाया हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कपिल शर्मा जी हैं, और कपिल शर्मा जी के हाथ में एक छोटी सी बच्ची है जो कि उन्हीं की बेटी है। और जब नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन में थाली बजवाई थी, तो उसी समय का ये सीन है, और यहाँ पर सभी लोग आसपास के लोग थालियाँ बजा रहे हैं। और एक वीडियो क्लिप और लगाया हूँ जिसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि कपिल शर्मा जी ने तो पूरा का पूरा ढोल ही बजाया है, और सभी लोग यहाँ पे थालियाँ भी बजा रहे हैं, और काफ़ी अच्छा यहाँ का नज़ारा है, तो आप लोग वो भी देख पा रहे होंगे। और दोस्तों मैं आगे एक वीडियो क्लिप और लगा देता हूँ, देखो इसमें आप लोग जो देख रहे हो ना, इसमें कपिल शर्मा जी कुछ अपने बालकनी में कुछ पेड़ पौधे लगा रहे हैं। दोस्तों इनके लिए पेड़ पौधे लगाने का बहुत ही शौक है, और ये कुछ ना कुछ पेड़ पौधे लगाते रहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि ये अपनी बालकनी में पेड़ पौधे लगा रहे थे, तो यही इनका घर है, और इस घर में ये अपनी बेटी और अपनी माँ और अपनी वाइफ के साथ में रहते हैं। दोस्तों इनका जो घर है वो काफ़ी आलीशान है, और इनके इसी घर में ना एक बहुत ही अच्छा सा जिम भी बना हुआ है। जी हाँ गाइस, आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो क्लिप लगाया हूँ, आप लोग देख सकते हो, इसमें कपिल शर्मा जी हैं जो कि बहुत ही एक्सरसाइज कर रहे हैं। कपिल शर्मा जी को एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, वो एक्सरसाइज इसलिए करते हैं जिससे कि वो एक बहुत ही हस्ट पुष्ट और एकदम हंसमुख रह सकें, जिससे कि आपको पता है वो हंसाने का काम करते हैं, तो इसके लिए एक अच्छे हेल्थ का होना बहुत ही ज़रूरी है गाइस। तो गाइस ये तो थी उनके घर की कुछ वीडियो क्लिप्स, अभी हम लोग बात कर लेते हैं उनके घर के जीवन के बारे में। तो दोस्तों जो कपिल शर्मा जी हैं, उनका जो जन्म है वो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, और उन्होंने वहाँ पर ही अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद दोस्तों ये एक सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन ये सिंगर ना बन के और एक ये कॉमेडियन एक्टर बने। दोस्तों इनके जो पिताजी हैं वो एक पुलिस कांस्टेबल थे, और इनकी जो माताजी हैं वो गृहिणी थी। दोस्तों जब ये मुंबई आए थे तो इनके पास में कुछ नहीं था, और ये काम के लिए तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। तो धीरे धीरे इनके कैरियर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, और धीरे धीरे अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने लगे। तो वहीं पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा शो किया था, इंडिया इज़ लाफ्टर चैम्पियन शो, जिसमें कि
उनको लिए एक बहुत ही अच्छा इनाम भी मिला था जो कि करीब 10 लाख रुपए का था। और उन्होंने उस 10 लाख रुपए के लिए सारा का सारा अपनी सिस्टर की शादी में ही खर्च कर दिया था। वैसे गाइस आप लोगों के लिए बता दूं कि कपिल शर्मा जी वैसे बहुत सारी सोशल सर्विस भी करते रहते हैं, लोगों की हेल्प भी करते रहते हैं। आप लोगों ने कई जगह इनको हेल्प करते हुए देखा होगा। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग बात कर लेते हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में और इनके पास में जो कितनी प्रॉपर्टी है और इनके पास में कौन कौन सी गाड़ियां हैं। दोस्तों अगर इनकी कुल संपत्ति की बात करें तो इनके पास 300 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति है और इनके पास में एक K9 नाम का प्रोडक्शन हाउस भी है। और इनकी जो कुल कमाई होती है वो सबसे ज़्यादा द कपिल शर्मा शो होते हुए जिसमें ये करीब करीब 101 करोड़ रुपए चार्ज भी करते हैं। तो गाइस चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं उनके कार कलेक्शन के बारे में। तो कपिल शर्मा सर के पास में एक मर्सिडीज S350D कार है जिसकी की कीमत 1.6 करोड़। और दोस्तों इनके पास में एक रेंज रोवर भी है जिसकी की कीमत 63 करोड़ रुपीज़ है। गाइस इनके पास में दो बुलेट भी हैं और इनके पास में एक फरारी कार भी है जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपीस है। दोस्तों अगर इनकी फिल्मों के बारे में बात कर लें तो इनकी इन्होंने अब तक बहुत ही दो हिट फिल्में दी हैं जिसमें एक किस किस को प्यार करूं और एक फिरंगी। दोस्तों इनकी जो किस किस को प्यार करूं जो फिल्म थी वो बहुत ही ज़्यादा हिट गई थी और उसने सिनेमा बॉक्स पर बहुत ही ज़्यादा कमाई की है। दोस्तों अगर आप लोग कपिल शर्मा शो को और कपिल शर्मा जी को पसंद करते हो तो इस वीडियो पर एक लाइक हो जाना चाहिए इसी बात पर। और अगर आप लोगों ने उनके शो को देखा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे लिए ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखना। तो दोस्तों ये थी उनके घर की वीडियो। सो गाइस आप लोगों के लिए वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ से जाके आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो क्योंकि मैं इसी तरीका के वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। अभी हम लोग हैं मुंबई में और मुंबई में हम लोग एक्टर्स के घर की पूरी सीरीज़ दिखा रहे हैं तो आप लोगों को सारे एक्टर्स के घर देखने को मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।